ध्यान से समझना। अभी तो वन वेरिएबल की बात कर रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं टू वेरिएबल की। सपोज करो मैं आपसे कहूं सॉल्व एक्स प्लस वाई इज मोर देन इक्वल्स टू 10, तो इसका क्या मतलब कि भाई एक्स प्लस वाई इज मोर देन इक्वल्स टू 10। अब पहले तो मीनिंग समझो इसका और फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे। इसको जो सॉल्व करते हैं नॉर्मली हम ग्राफ से करते हैं, वन वेरिएबल मतलब वन इक्वेशन है, टू वेरिएबल है, तो हमें ये मालूम है कि भाई अगर हमारे पास, प्लीज ध्यान से देख लीजिए, हमारे पास अगर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 आ जाए, इज इक्वल्स टू आ जाए इक्वेशन, हमारे पास तो इन इक्वेशन दिया हुआ है, इट इज इन इक्वालिटी, लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर सपोज जो हमने 10th में किया था, अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो, तो मुझे आप बता सकते हो इसके कितने सॉल्यूशन है? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 के हाउ मेनी सॉल्यूशंस वी हैव, x और y की कितनी वैल्यूज होंगी जो इसको सेटिस्फाई करेंगे? सर जी इनफाइनाइट हो सकते हैं, इनफाइनाइट होती हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप क्या कह रहे हो, इनफाइनाइट होती हैं। एक्चुअली आप लोगों ने सबने किया है, हमने किया है इसको कि भाई अगर हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वैल्यूज हैं, ये पास x है या y है, तो हमारे पास क्या है, अगर x 1 है तो y 9 है, x 2 है तो 8 है, 3 है तो 7 है, 4 है तो 6 है, 10 है तो 0 है, 100 है तो 90 है, 1000 है तो -990 है, यस और नो? यस। इस तरह से इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, लेकिन अब आप खुद सोच के बताओ, बस इसमें इसमें अच्छा क्या था, इसमें अच्छा ये था कि अगर आपने x को फिक्स कर दिया तो y भी उसके लिए फिक्स हो गया। अगर x आपका 1 है तो y 9 है बिकॉज सम इज 10। लेकिन जब बेटे आप ये बताओ मुझे, जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि नहीं मेरा सम 10 नहीं है, 10 या 10 से बड़ा होना चाहिए, x प्लस वाई मोर देन इक्वल्स टू 10, तो आप खुद ही सोचो अगर अब मैं टेबल लिखूं और मैं आपसे कहूं कि भाई मेरा जो x है वो 1 है तो y क्या होगा, तो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो y 9 होगा क्योंकि 10 कह रहे हो, लेकिन अगर x 1 है तो y 10 भी हो सकता है, x 1 है तो y 11 भी हो सकता है, 1 है तो 12 भी हो सकता है, 1 है तो 13 भी हो सकता है, 1 है तो 14 भी हो सकता है, yes sir, no? Yes sir. हमें क्या चाहिए, हमें सम मोर देन इक्वल्स टू 10 चाहिए, या तो इक्वल हो या मोर हो, वन के ही लिए इनफाइनाइट वैल्यू है, और ये तो हम इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं, नेचुरल नंबर वैल्यू ले रहे हैं, डेसिमल फ्रैक्शनल वैल्यूज होती हो सकती हैं, तो सिंगल पॉइंट के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, तो एक चीज तो ये समझनी है। इसी तरह से वाई के लिए आप सोच सकते हो, तो दे आर इनफाइनाइट, वहां पे भी इनफाइनाइट है, यहाँ और भी ज्यादा है, अब वो कैसे है वो भी देख लीजिए, मैंने आपसे कहा कि वहां अगर एक्स फिक्स है तो वाई भी फिक्स है, यहाँ वो भी फिक्स नहीं है, ये कॉन्स्टेंट भी नहीं है, तो हम करते क्या है वो देख लीजिए। पहला क्वेश्चन मतलब मुझसे समझिए, फिर आपको सारे तीन स्टेप्स होते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि भाई हमारे पास ये है x प्लस वाई इज मोर देन इक्वल्स टू 10, तो हम क्या करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ द ग्राफ, ठीक है, फोर इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, हमें सॉल्व तो करना है इन इक्वेशन को, लेकिन हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे इक्वेशन का, इज इक्वल्स टू ले लेंगे, ये ध्यान रखिए। तो अगर हम इज इक्वल्स टू ले लेंगे तो हमें क्या करना है, इज इक्वल्स टू के लिए भी कितना आसान है देख लीजिए, आपको सबसे इजी जो होता है ग्राफ ड्रॉ करना, वो सबसे इजी ये होता है कि एक बार आप एक्स को जीरो रख दो तो वाई आ जाएगा, और एक बार आप वाई को जीरो रख दो तो एक्स आ जाएगा, ये इजीएस्ट वे है टू ड्रॉ द ग्राफ। हमारे पास ग्राफ में क्या हो जाएगा भाई, ग्राफ में हमारे पास हो जाएगा कि सर ये हमारे पास वाई है, जस्ट ऐसे ही सिंपल हम आइडिया ले रहे हैं, ये हमारे पास एक्स है, आप क्या कह रहे हो सर, एक्स जीरो तो वाई 10, सर ध्यान से देखो, अगर एक्स जीरो है
x अगर जीरो है तो y टेन कहीं यहाँ पे ले लू मैं सपोज करो, और y जीरो है तो x टेन सपोज करो मैं यहाँ पे ले लू, ये मेरे पास, तो आप क्या करेंगे इसे ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ ध्यान से देख लीजिए आपने ग्राफ में, जैसे हमने पहले किया था वन वेरिएबल का, अगर यहाँ इज इक्वल्स टू है तो लाइन आएगी बोल्ड, और अगर इज इक्वल्स टू नहीं है तो लाइन आएगी डॉटेड। लाइन डॉटेड का मतलब क्या है, लाइन ऐसे आप ड्रॉ करेंगे डॉटेड, बट क्योंकि यहाँ इज इक्वल्स टू दिया हुआ था तो आप इस लाइन को बोल्ड कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए। तो सबसे पहले आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इज इक्वल्स टू के लिए, इक्वेशन के लिए। एक्चुअली होता क्या है, आप एक आइडिया ले लो, हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं, हमारे पास क्या हो सकता है, हमारे पास हो सकता है x इज इक्वल्स टू 5, या हमारे पास हो सकता है x इज मोर देन 5, मोर देन कह लीजिए या मोर देन इक्वल्स टू 5 कह लीजिए, x इज लेस देन 5 या x इज लेस देन इक्वल्स टू 5। तो बेसिकली तीन ही केस हैं, इज इक्वल्स टू, मोर देन, लेस देन। तो अगर आपको मोर देन का पता करना है या लेस देन का पता करना है या इज इक्वल्स टू का पता करना है तो आपको 5 का तो पहले पता करना ही पड़ेगा कि भाई 5 कहाँ है। तो ये मेरा 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो अगर आप कह रहे हो x इज इक्वल्स टू 5 तो आप कहोगे सर यही है 5। आप कह रहे हो मोर देन 5 कि सर ठीक है सर ये है सर मोर देन 5। आप कह रहे हो लेस देन 5 ओके सर लेस देन 5 ये है। तो आपको 5 चाहिए या मोर देन 5 चाहिए या लेस देन 5 चाहिए तो आपको 5 को तो पता करना ही पड़ेगा ग्राफ पे कहाँ है। तो इसी तरह से अगर हम यहाँ पॉइंट्स ले रहे हैं और हमें पॉइंट्स चाहिए कौन से कि भाई x इज मोर देन इक्वल्स टू 10, तो हमें पहले 10 को ढूंढना पड़ेगा कि x प्लस y इज इक्वल्स टू 10 कहाँ है। तब हमें क्या पता चल गया, हमें ये पता चल गया कि वो सारे पॉइंट्स जिनका सम 10 है वो ये हैं। प्लीज इधर देख लो ध्यान से। तो पहली चीज तो मैंने आपसे क्या कहा कि मुझे 5 को ढूंढना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है, अगर आप वन लाइन पे सोचें, नंबर लाइन पे सोचें, तीन ही पॉइंट्स होंगे, तीन ही वैल्यूज होंगी, वो जो 5 है या फिर मोर देन 5 या फिर लेस देन 5। तो इसका मतलब ये है हर एक पॉइंट नंबर लाइन को तीन पार्ट में डिवाइड करता है, इक्वल टू, मोर देन या मोर देन इक्वल टू, लेस देन या लेस देन। इसी तरह से जो लाइन है वो भी अपने प्लेन को तीन पार्ट्स में डिवाइड करती है। वो पॉइंट्स जो इक्वल टू हैं वो तो लाइन पे ही आते हैं, तो और जो उसके बाद बचे हमारे पास, ये वाले जो पॉइंट्स बचे, ये या तो ये मोर देन होंगे, इधर वाला राइट साइड वाला पार्ट, और एक पार्ट ये बचा तो ये लेस देन वाला होगा। तो मतलब हमारे पास तीन पार्ट हैं, ऑन द लाइन, अबव द लाइन, बिलो द लाइन। तो ऑन द लाइन इज इक्वल्स टू वाला होता है, और अबव और बिलो वाला जो होता है एक मोर वाला होता है एक लेस वाला होता है। तो मोर वाला कौन सा है, लेस वाला कौन सा है, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो आइडेंटिफाई हम कैसे करते हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले हमने क्या किया, इज इक्वल्स टू के लिए ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अगर इज इक्वल्स टू के लिए ग्राफ ड्रॉ कर दिया तो हमारे पास वो वाले पॉइंट्स आ गए जो इज इक्वल्स टू हैं। तो इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे वो पॉइंट्स हैं जहां पे x प्लस y का सम 10 हो रहा है। तो मैंने आपसे क्या कहा, एक तो अबव होगा, अबव द लाइन, और एक होगा बिलो द लाइन। तो आपको ये चेक करना होता है कि कौन सा लेस है कौन सा मोर है। तो सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या है, सेकेंड स्टेप होता है हमें चेक करना। ध्यान से देख लीजिए चेक कैसे करते हैं। चेक कोई सा भी एक पॉइंट ले लीजिए, अबव वाला या मोर बिलो वाला, जिसको आपको पता हो लाइन पे लाई नहीं कर रहा है। तो सबसे आसान होता है ओरिजिन, अगर लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही है तो जीरो जीरो को हम चेक कर लेते हैं। तो चेक फॉर जीरो जीरो, हमें जीरो जीरो की लोकेशन पता होनी चाहिए कि लाइन के अबव प्लॉट हो रहा है ये हमारे पास जीरो जीरो, या लाइन के बिलो है या ऊपर है। तो अब अगर हम जीरो जीरो करेंगे, जीरो जीरो कहाँ रखना है हमें, जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, इन इक्वेशन जिसे हम कह रहे हैं। तो x प्लस y इज मोर देन इक्वल टू 10, तो इसमें जीरो रखो जरा, तो आपके पास आएगा जीरो प्लस जीरो इज मोर देन इक्वल टू 10। तो आपको पता है कि भाई जीरो जो होता है 10 से बड़ा नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट आपका हो गया फॉल्स। जब आप चेक कर रहे हो या तो वो वाला टर्म हमारा ट्रू आएगा या वो हमारा फॉल्स आएगा। अगर फॉल्स आ गया तो इसका मतलब उस वाले पार्ट्स के पॉइंट्स हमें नहीं लेने, और अगर ट्रू आ गया तो फिर वही वाला पोर्शन हमें लेना है, तो थर्ड वाला हमें उसे मार्क कर देना। तो इसका मतलब जीरो जीरो वाला पोर्शन फॉल्स है। तो अगर जीरो जीरो वाला पोर्शन फॉल्स है तो फिर हम अपर साइड को मार्क कर देंगे कि भाई इधर वाले जितने भी पॉइंट्स हैं, इधर वाले अबव द लाइन, उन सारे टर्म्स की वैल्यू मोर देन 10।
अब आप खुद देख लो, मैंने जो ये वाला पॉइंट लिया था, ये वाला पॉइंट लिया था 10 0, तो आप खुद सोचो कि मान लो यहाँ एक पॉइंट होगा 11 0, तो इसका मतलब 11 + 0 इज ऑल्सो मोर देन 10, उसके बाद 12 0, उसके बाद 13 0, इसी तरह से यहाँ लिया था हमने पॉइंट 0 10, तो 0 10 के बाद मान लीजिए एक पॉइंट होगा 0 11, तो आप यहाँ देखोगे 0 + 11 इज ऑल्सो मोर देन 10, तो इधर वाले जितने भी पोर्शन होंगे, जितने भी पॉइंट्स होंगे, वो सब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो जब भी आपको सॉल्यूशन ढूंढना है टू वेरिएबल्स के लिए, तो आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, और ग्राफ ड्रॉ करेंगे आप इक्वेशन के लिए, लाइन आ जाएगी। मैंने आपसे कहा अगर इज इक्वल्स टू नहीं है तो डॉटेड लाइन आएगी, अभी करेंगे उस पर भी। इज इक्वल्स टू है तो बोर्ड लाइन आएगी। अब बोर्ड लाइन से प्लेन को तीन पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया, ऑन द लाइन, अबव द लाइन, बिलो द लाइन। फिर आप चेक करेंगे कोई भी एक पॉइंट की वैल्यू रख के इन इक्वेशन में, अगर वो ट्रू है तो वही वाला पोर्शन हमारा आंसर है, और अगर वो फॉल्स है तो फिर वो वाला पोर्शन हमारा आंसर नहीं है। बस इतना था। कुछ समझ में आया सब बच्चों को या नहीं आया? सर बहुत अच्छे समझ आया। ठीक है, एक बार और समझा दीजिए। जी बेटे, एक बार और आप देखो जरा क्वेश्चन सीधा सीधा से। वो फर्स्ट एक्सरसाइज थी वन वेरिएबल, ये टू वेरिएबल है, और टू वेरिएबल में सब में सिर्फ ग्राफ बनने, और वन इक्वेशन भी गिवन हो सकती है, टू भी गिवन हो सकती है, मोर देन टू भी हो सकती है। देखो जैसा ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो हमारा यही था जो मैंने लिया है, अब सेकंड क्वेश्चन से लेते हैं। सेकंड एक्सरसाइज में सिर्फ आपके पास जो है, पहले देख लो किस तरह के क्वेश्चन हैं। सेकेंड एक्सरसाइज में आपके पास सिर्फ वन इन इक्वेशन की बात कर रहा है, और थर्ड में मोर देन वन से भी बात कर रहा है। ये देखो, ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं। सॉल्व द फॉलोइंग क्लब करियर होगा।